हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है प्यारे से प्रिंस भाई के चैनल में। और आते ही मुझे मिला एक कंकाल और एक ये मिला भाई, ये गुड्डा गुड्डा मिला यार। कोई पता नहीं ये ग्रैनी का है या ग्रैंडपा का है। मुझे लगता है कि ग्रैनी शायद इससे खेलती होगी। ग्रैंडपा, अरे भाई इसको भी खोलना पड़ेगा। लगता है मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया, पर कोई बात नहीं, चलो इसको हम जल्दी से खोल लेते हैं। अरे भाई 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 भाई, दोबारा से चल चल चल, जल्दी चल जा भाई। पीछे कोई बस ग्रैनी और ग्रैंडपा ना खड़े हो मेरे स्वागत के लिए। आरती लिए थाली के हाथ में, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे भाई ग्रैंडपा 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 आ गया भाई। भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले भाई, बहुत खतरनाक कहानी होने वाली है। ग्रैंडपा गोली मारो मारो भाई, ये मार भी देगा सच्ची में भाई। भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले, लगी लगी लगी, बच गई बच गई बच गई बच गई। एक बार फिर से मार, गोचू। ए वेरी गुड, एक बार फिर से मार, फिर से मार। अरे नहीं लगेगी भाई इतनी जल्दी, तेरी भैंस की आँख। एक बार फिर से मार, फिर से मार, चल तेरी भैंस की आँख। एक बार फिर से मार 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 मार। अरे भाई ये इस बार कई बार पता क्या होता, पास आके ना ये गोली नहीं मारते, सीधा बंदूक मारता मत्थे पे। चल भाई ग्रैंड पा हमारे आ रहे हैं, तो मैं तो दूसरे रास्ते से जाने वाला हूँ। ओके भाई, दरवाज़ा खुल गया हमारा और हम लोग जाने। भाई मुझे यहाँ पे आते ना एक चीज़ मिला, नो कोकोनट, कोकोनट मिला भाई। ग्रैंड पा गया, ग्रैंड पा, भागले 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 माई भाई 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 माई भाई। इसको लेके ऊपर चलते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने ना बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें कर दी हैं नीचे, तो ग्रैनी भी। अरे भाई आती ही होगी, और वो आ चुकी है, आती ही होगी, क्या मतलब। मुझे यहाँ पे छुप जाना चाहिए वैसे। ग्रैनी भाई आ रही है, नीचे उतर रही है भाई। इससे पहले ग्रैंडपा भी आ जाए, दोनों एक साथ भाई, मुझे यहाँ से भागना होगा। देखो भाई उसका डंडा दिख रहा है। अरे भाई बंदूक भी दिखी, तेरी भैंस की आँख, ये क्या चल रहा भाई यहाँ पे। अरे भाई 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 भाई, अरे यार जाओ ना तुम लोग। अरे यार वहाँ से ग्रैंडपा भी जा रहा है, चला गया क्या। लेकिन वो रास्ते में ही होगा, क्योंकि एक ही रास्ता है भाई यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ एक बार जाने की, क्या अब तक ग्रैंडपा चले गए हों। भाई नहीं गए, ग्रैंडपा भी जा ही रहे हो, पर मुझे यहाँ तक इतना ना यहाँ पे छुप जाना चाहिए इससे पहले कि ग्रैंडी भी मुझे देख ले। भाई ग्रैंडपा तो चले गए, ऑलमोस्ट चले गए, पर मुझे फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है। एक्चुअली ग्रैंडपा की आदत नहीं है, जो आदत ना ग्रैनी की है कि चलते चलते एकदम से रुक जाती है भाई, मुझे पता ही नहीं चलता। भाई ग्रैंडपा कहाँ जा रहे हैं हमारे, ओह माय गॉड, ग्रैंडपा वहीं जा रहे हैं जहाँ पे मुझे जाना था। पर कोई बात नहीं, हम लोग अब सीधा ऊपर चल सकते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा गए हैं दूसरे रास्ते, हम लोग जाएंगे तीसरे रास्ते। ग्रैंड पी है पहले रास्ते पे। देखा भाई क्या गुच्चम गुच्चम गुत्थी चल रही है यहाँ पे। चलो भाई सब लोग अगर नीचे आए तो हम लोग ऊपर चलें फिर। चलो ऊपर चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा ताक झाक कर लेते हैं कि कुछ हमें मिल जाए, इस उम्मीद में, क्योंकि वैसे हमारी किस्मत इतनी अच्छी है तो नहीं कि हम लोग इस घर से एस्केप कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करती रहनी चाहिए यार दोस्तों। भाई कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे यार इसका एक अलग से चलता रहता है भाई, पता नहीं क्या चलता रहता है इसका, इसके अंदर भाई, इसके अंदर तो मुझे आज तक भाई रिकॉर्ड है कुछ नहीं मिला इन वो ड्रॉप्स में। घटिया घटिया किस्म का, घटिया कसम भाई, बिल्कुल ही लिटरली बकवास। तो अभी क्या मैं और ऊपर जाऊँ, नहीं और ऊपर तो ग्रैनी गई हुई है भाई। तो मैं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा कहीं पे, तो मैं जाऊँ कहाँ पे। हद होती है यार किसी चीज़ की लिटरली मैन। चलो अब मैं फिर नीचे जाता हूँ, ना मुझे वेपन की मिल रही है। भाई ग्रैंडपा सोने जा रहा, सोने जा रहा, सोने जा रहा है ग्रैंडपा। भाई उसने बंदूक रख दी अपनी, इसकी भैंस की आग भाई, चुरा ले चुरा ले चुरा ले, इसको ही निपटा दो पहले। चलो भाई गया गया गया, मज़ेदार भाई। इससे पहले ग्रैंड पे ग्रैनी भी आ जाए, ग्रैंडी क्या ग्रैंडी, उसको भी निपटाना पड़ेगा भाई साहब। चल तेरी भैंस की आँख, हो मज़े ही मज़े। इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, हाँ एटलीस्ट एमओ तो मिली भाई, कोई क्लू मिले ना मिले एमओ मिल गया मुझे। सिक्का मिला यार, मुझे नहीं चाहिए सिक्का। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा ऊपर, ऊपर शायद उम्मीद है कि कुछ मिल जाए, क्योंकि मुझे पूरे घर में अभी तक भाई एक ही चीज़ मिली है, और वो है सिक्का कॉइन, जो कि ट्रेन में लगता होता है। इसमें कोई चीज़ ट्रेन का भाई, चल निपटा ही देते हैं भाई इसको भी। तेरी भैंस की आँख, तो भी नहीं देगा भाई, किससे पंगा ले रहा है इसको मालूम नहीं है क्या। इस गन को तो मैं ऊपर ही रखूँगा, ग्रैंड पा के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगा भाई। इससे पहले मैं उठा लेता हूँ भाई ये एक हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विच उठा लेता हूँ मैं। और यहाँ पे कोई तुम्हें भाई लकड़ी का फट्टा दिखाई दे रहा है क्या कहीं पे भी, उसको भी देख लेते हैं एक बार। एक सेकंड रुको, उसको भी अभी देखते हैं कहाँ पे होगा। वो ना जनरली ऊपर ही पड़ा होता है कहीं पे।
लेकिन मुझे पता नहीं है एक्चुअली किस तरफ है वो। यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है यहाँ तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद वो ना उस झोपड़ी के पीछे रखा होगा, जहाँ पे यहाँ से मुझे झोपड़ी का पिछवाड़ा दिखेगा नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग चलते हैं फिर नीचे, कोई फालतू बकवास नहीं करनी। चलो भाई इसको मैं यहाँ फेंक देता हूँ, और मैं अपनी उठा लेता हूँ शॉट गन। कहाँ है शॉट गन? नहीं है, लॉन्ग गन है वैसे तो। उठा ले भाई, यहाँ से उठ जाएगी? क्यों नहीं उठेगी भाई साहब, सब उठेगा, तुम उठाओ तो सही। मैंने यहाँ से शॉट गन एमओ तो ले ली थी वैसे। एक कॉइन पड़ा है और ऊपर एक ट्रेन के सारे सामान भाई ऊपर ही पड़े हैं, मुझे ध्यान रहेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ भाई एमओ लेने। हाँ ये पड़ी एमओ। एक टाइम पे हम लोग 2 एमओ ये लोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मुन्ना आ जा हाथ में, प्लीज़ प्लीज़। वॉट आर यू? अरे मैन, मैं इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा हूँ भाई? अच्छा फुल हो गई है भाई। सिलेंडर ना को नहीं मार सकते क्या हम लोग इस बंदूक से? भाई गजब ही हो जाएगा वैसे तो अगर मार सके तो। दो है, मुझे लगता है रिस्पॉन हो चुके होंगे अभी तक तो। हाँ भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही रिस्पॉन हो चुके हैं, और ये कभी भी कहीं पे भी कैसे भी हो सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा चलना पड़ेगा संभल कर। तो मैं ये पत्थर भी साथ के साथ कलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मुझे स्लिंग शॉट की वेपन की मिलती है तो भाई अच्छा ही है, अदरवाइज़ तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं भाई, ज़िंदगी ख़राब तो चल रही है वैसे भी। एक पत्थर ये पड़ा, तो पत्थर भी उठा लेते हैं भाई, कम से कम खोपड़िया तो फोड़ेंगे ना भाई उसकी। अरे उठ जा भाई, एक तो तेरे नखरे भाई अलग होते हैं, इन दोनों के नखरे अलग हैं, पत्थर के नखरे अलग हैं भाई, इस घर में हर चीज़ के नखरे हैं भाई। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्लू ढूंढने। मुझे किसी ने पिछवाड़े से देख लिया, बट आई डोंट केयर क्योंकि मेरे पास गन जो है अभी देखो इसका। अरे भाई ग्रैनी को शॉट, हेड शॉट लगाता हूँ। वाओ दिस इज़ जस्ट वाओ। देखो एक एमओ ये पड़ी, ये देखो बड़े डिज़ाइन में रखा हुआ है डेवलपर ने, एक गिराई हुई है और एक रखी हुई है, जैसे हम लोग 5-स्टार होटल में आते हैं भाई, वहाँ पे स्लिंग शॉट मिल चुकी है। तो मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास अभी वेपन है, तो जब जरूरत पड़ेगी तब देख भी लेंगे। क्या जल्दी है? कोई जल्दी नहीं है बापू। चलो भाई यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिला, वेपन की मिली है बस, और कुछ भी नहीं मिला। मुझे वहाँ पे मिला था एक नारियल, नारियल को फोड़ कर देख। अरे भाई भाई भाई, भाई वाह, ये कौन सा स्टंट मार रही है ग्रानी यहाँ पे? मुझे ना अपनी गन यहाँ पे फेंकनी पड़ेगी, और अगर मैंने फेंक दी और बाई चांस उठा ली ग्रैंड पाने तो मेरी लग जाएगी बहुत अच्छी वाली। तो इससे अच्छा मैं इसको यहाँ पे फेंकता हूँ कोने में, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रैंड पा अक्सर कम ही आते होते हैं। ग्रैंड पा का जो सोने का रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो अभी इस नारियल को फोड़ कर देखते हैं भाई इसमें से क्या मिलने वाला है। मुझे उम्मीद तो है कि कुछ अच्छा सा ही मिलेगा, बस इतने नारियल में क्या ही मिल सकता है, कोई चाबी मिल सकती है, इससे ज़्यादा तो और क्या ही मिलेगा भाई इसमें। हाँ भाई मुझे लगा ही था। पैडलॉक की पता नहीं अब कहाँ पे लगती है पैडलॉक की, मुझे ध्यान नहीं है, इसमें तो शेड की लगती है। और पैडलॉक पैडलॉक पैडलॉक, वेयर इज़ द पैडलॉक की? ओके ग्रैंड पा हमारे पास आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए और ग्रैंड पा से दूर, क्योंकि ग्रैनी भी रिस्पॉन ऑलमोस्ट होने ही वाली है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं और पैडलॉक की को यहीं फेंक देते हैं फिलहाल, और हम लोग उठा लेते हैं अपनी गन। कहाँ है हमारी गन? देखा मैंने कहा था ना ग्रैंड पा, अगर उसको मैं यहीं छोड़ देता ना तो ग्रैंड पा पक्का उठा लेता। तो अभी मैं जा रहा हूँ ग्रैंड पा के पास, इसको भी हेड शॉट देना पड़ेगा थोड़ा सा। माई गॉड व्हाट अ शॉट। अभी ग्रैनी मुझे लगता है नीचे हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पक्का नहीं पता, शायद इसमें लगती होती है पैडलॉक की। आई न्यू इट, तो इसलिए मैं इस गन को फेंक रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ग्रैंड पा इसको उठा ना पाए। अब मैंने आवाज़ कर दी है क्योंकि, तो ग्रैनी बहुत ही जल्दी मेरे पास आती ही होगी, लेकिन मुझे उससे पहले भाई पैडलॉक की लेनी है, जो कि मैंने यहाँ पे फेंकी हुई थी और ग्रैंड पा के खोपड़े के पास ही रखी हुई है। अरे भाई मेरे आते ही काला पड़ गया, मेरे अंदर कोई जादुई शक्ति है क्या? ओके भाई हम लोग जा रहे हैं पैडलॉक की से दरवाज़ा खोलने, और मेरे को एक पत्ता भी मिल गया भाई, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। इसको तो खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नार कुछ वो होते हैं वास गमले, जिसको मुझे भरना है, लेकिन किसको भरूँ? अच्छा वो गमला मुझे उठाना पड़ेगा। चलो भाई वो गमला उठाते हैं जाके सीधा, अब सीधी बात नो बकवास। उम्मीद करता हूँ कि मुझे ग्रैनी अब नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रैंड पा को तो मैंने निपटा दिया है। ग्रैनी पता नहीं कहाँ पर हो गई, और मैं बंदूक कुछ ज़्यादा ही नीचे छोड़ आया हूँ भाई, बट चलो कोई बात नहीं भाई, देखी जाएगी।
जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी मैं फट्टे को लगा दूं पहले जाके। ओह माय गॉड।